तलवार के जोर पर सब कुछ फतह किया जा सकता है, लेकिन असल फतह कौम की तश्कील है। अब जरूरी है कि हम इस कौम की तश्कील करें और मसीही बरादरी की सालमियत को भी यकीनी बनाएं। आपने सही फरमाया भाई, हमें यहाँ सबसे पहले मस्जिद की तामीर करनी चाहिए ताकि यहाँ भी इस्लाम की तरवीज का काम हो सके। फौरन इस मकसद के लिए इंतजाम करो बमसी, बेहतरीन मेहमान बुलाओ, ये काम जल्दी होना चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। भाई अब उलमा और माहिरीन भी हमारी सरजमीन पर आना चाहेंगे, मेरा मशवरा है कि उनके लिए एक दरसगाह भी तामीर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आर्तुक भाई, किसी भी रियासत को मजबूत बनाने में उलमा और माहिरीन का किरदार अहम है। उन्हें यहाँ मुतवज्जे करने के लिए इस तरह की दरसगाह बहुत अहमियत की हामिल होगी। भाई मिस्कीनों के लिए पनाहगाह और बीमारों के लिए शिफा खाना हमारे मेहमान तामीर कर सकते हैं। मसीही बिरादरी का सबसे आम मसला महसूल की अदायगी है। इस वक्त बाज़ंतीनी महसूल की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है और अब हमारी तरफ से लागू होने वाले महसूल की वजह से लोग खौफ सताए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आर्तुक भाई? भाई हम दिल से ये मानते हैं कि एक बहादुर हाकिम आवाम के मसाइल अच्छी तरह समझता है। अगर हमारी आवाम शिकमसेर होगी तो मुआशरा खुशहाल होगा और जब खुशहाली आएगी तो रियासत में अमन कायम होगा। आवाम जब अमन से रहेंगे तो हाकिम वक्त से वफादार और हमेशा उसके फरमा बरदार रहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है आर्तुक भाई, इसी वजह से हम मकामी लोगों और मसीही बरादरी से कम महसूल वसूल करेंगे। अब्दुलरहमान बाजार जाके तमाम गैर मुस्लिमों को जमा करो, उन्हें बताओ कि उनसे इंतहाई कम महसूल वसूल किया जाएगा। जो आपका हुक्म भाई।